दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में नए बिजनेस प्लान के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। आप जानते होंगे कि आज प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल हर जगह, जैसे वाटर बोतल, मिनरल वाटर बोतल, मेडिसिन, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ इसकी इस्तेमाल हो रही है। वैसे प्लास्टिक बोतल का बिजनेस तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लास्टिक बोतल के रॉ मटेरियल के बिजनेस के बारे में, जिसे हम प्लास्टिक परफॉर्म बोतल भी कहते हैं। इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और इसमें मुनाफा भी काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों इस बिजनेस की खास बात यह है कि आप घर बैठे रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, प्रोडक्शन के बाद आप घर बैठे अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं। आगे मैं वीडियो में बताया हूँ, तो दोस्तों इस बिजनेस के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस बिजनेस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, जैसे बिजनेस कैसे शुरू करें, कितनी खर्च आएगी, कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत होगी, मशीनें कहाँ मिलेंगी और कितनी की मिलेंगी, इस बिजनेस को शुरू करने के बाद हमें प्रॉफिट कितना होगा और प्रोडक्शन होने के बाद माल सेल कैसे करेंगे के बारे में विस्तार से बताया है। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल वाले आइकन को भी दबाएं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होगी, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल में जैसे मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे जो खर्च होते हैं उन्हें कहते हैं, तो मशीनरी की ज़रूरत होगी। तो मशीन के लिए आप www.indiamart.com पर आ सकते हैं। यहाँ लॉगिन करने के बाद सर्च बार में टाइप कर दे प्लास्टिक मोल्डिंग इंजेक्शन मशीन, सर्च पर क्लिक कर दे। क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारी मशीनें आ जाएंगी। ये मशीनें जो हैं अलग अलग कंपनीज की हैं और इनकी अलग अलग प्राइस है, क्योंकि ये अलग अलग कैपेसिटी की है, इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो अलग अलग है, तो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के अनुसार इनका प्राइस है। आप देख सकते हैं ये 3,15,000 रुपये की मशीन है और इसके नीचे आइए तो 14 लाख रुपए की है। इसके नीचे आइए आप तो 8,50,000 रुपये की मशीन है। आप किसी भी मशीन को जानना चाहते हैं, उसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं या कंपनी से बात करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट सप्लायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है या इनके जो वेबसाइट है, यानी कि कंपनी का नेम है, यहाँ पे देख सकते हैं साईं शक्ति प्लास्टोटेक है जो, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनके वेबसाइट पर चले जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है 6,50,000 रुपये की है। ये ऑपरेशन मोड जो है इसका ऑटोमेटिक है। आप यहाँ से तरह तरह की 3,50,000 रुपये की है ये, उसके नीचे आइए तो ये 5,50,000 रुपये की है। तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार यहाँ से मशीन 1,25,000 रुपये की खरीद सकते हैं। दोस्तों मशीनरी एंड इक्विपमेंट पर खर्च करने के बाद हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। रॉ मटेरियल भी आप www.indiamart.com से खरीद सकते हैं। आप लॉगिन करके सर्च बार में टाइप कर दे प्लास्टिक रॉ मटेरियल, सर्च पर क्लिक कर दे, आपके सामने प्लास्टिक की जो रॉ मटेरियल है बहुत सारी खुलकर सामने आ जाएंगी। यहाँ भी अलग अलग कलर है, बहुत सारी कलर है, आप जिस कलर में लेना चाहे उस कलर में ले सकते हैं और वाइट में भी ले सकते हैं। अलग अलग कंपनी है, अलग अलग रेट है। यहाँ पे देख सकते हैं 60 रुपये के जी, 80 रुपये के जी, 88 रुपये के जी, 105 रुपये के जी, 85 रुपये के जी, 75 रुपये के जी। यहाँ पे देख सकते हैं 75, 60, 45 का भी है, यहाँ पे 100 का है। तो यहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। रॉ मटेरियल आपको 40 रुपये के जी से लेकर 80 रुपये के जी तक यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों मशीनरी एंड इक्विपमेंट पर खर्च करने के बाद, रॉ मटेरियल मंगवा लेने के बाद, जब प्रोडक्शन हमारी शुरू हो जाती है और प्रोडक्शन आ जाती है तो सेल करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको मार्केट में भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीदा था वहीं पे, यानी कि www.indiamart.com पे सेलर का रजिस्ट्रेशन कीजिए और सेलर अपना प्रोडक्ट जो है अपलोड कीजिए और यहाँ पर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। यहाँ से आपको ऑनलाइन डिलीवरी के लिए आपको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर के अनुसार आपको माल सप्लाई करना होगा। इसी तरह और दो चार वेबसाइट हैं, जैसे indiatrade.com है, तो आप tradeindia.com पर भी अपना अकाउंट बनाए, वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट को अपलोड करें और सेल करें। यहाँ पे देख सकते हैं 105 रुपये के जी है, 110 रुपये के जी है। ये जो 110 रुपये के जी है, 60 रुपये के जी जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसे 110 रुपये के जी प्रोडक्शन होने के बाद हमारा वही माल केवल पेट बोतल बनाना है और उसी माल को उसी वेबसाइट पर बेच देना है। बिजनेस बहुत अच्छी है और ज़्यादा इसमें लफड़ा भी नहीं है और ज़्यादा काम भी नहीं है,
इसमें दो तीन लेबर लगेंगे, बस आप बैठे रहिए, माल मंगवाते रहिए और माल सेल करते रहिए, पैसा बनाते रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं 110 रुपये के जी, ये 6 रुपये पीस है, यहाँ 122 रुपये के जी है, यहाँ 105 रुपये के जी है। तो आप इस तरह अलग अलग वेबसाइटों पर रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको ऑर्डर मिलनी शुरू हो जाएगी और आप अच्छे खासे आमदनी करने लगेंगे। दोस्तों अगर इस बिजनेस के प्रॉफिट रिपोर्ट के बारे में बात करें तो आप देखे होंगे जो रॉ मटेरियल है 40 रुपये के जी से लेकर 80 रुपये के जी तक, यानी कि 80-90 रुपये के जी तक आराम से मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की। और जब पेट बोतल बन जाने के बाद, यानी कि प्लास्टिक परफॉर्म बोतल बन जाने के बाद, उसकी कीमत जो है 70-80 रुपये के जी से लेकर 120-130 रुपये के जी तक हो जाती है। ऐसे में आप 1 केजी पर 20-25 रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर डेली आपको 500 केजी का भी ऑर्डर मिलता है तो आप 500 × 20 यानी कि 10,000 रुपये का एक दिन में मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में आपको मिलेगा नहीं, जैसे ही आप अलग अलग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि इतनी ऑर्डर मिलेगी कि आप उतना प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, आपको ऑर्डर कैंसिल भी करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी व्यवसाय को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। udyogaadhar.gov.in में इसकी ऑनलाइन फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरी GST रजिस्ट्रेशन, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, इसे आप ऑनलाइन या किसी CA की मदद से करवा सकते हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि कारोबार को शुरू करने से पहले हमें दो तरह की फंडिंग की आवश्यकता होती है। पहला निश्चित पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरी कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल, जिसे आप कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से उठा सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान जैसे माइक्रो फाइनेंस या सहकारी समितियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और MSME स्कीम के माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, और खादी ग्राम स्कीम के तहत आप ट्रेनिंग एवं सब्सिडी की सुविधा भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट और न्यूज़पेपर के माध्यम से ली गई जानकारी पर आधारित है। ये जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए दी गई है। आप अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और इस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन की ज़रूरत होगी। इसलिए आप कोई भी बिजनेस शुरू करें तो अपनी सूझबूझ से शुरू करें, क्योंकि हर कोई किसी भी बिजनेस को मुनाफे के लिए शुरू करता है, लेकिन कभी कभी उसे लॉस का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एवं साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।